उपचुनाव के बाद फिर से कोरोना महामारी को लेकर शासन और प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। देवास जिले के बागली मुख्यालय सहित चापड़ा चौराहे पर प्रशासन की कार्यवाही देखी गई। आपको बता दें कि बागली मुख्यालय सहित आसपास के गांव में विगत कुछ दिनों से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन में यह आंकड़े बताए नहीं जा रहे हैं। बागली तहसीलदार राधा महंत द्वारा अपनी टीम के साथ नगर में भ्रमण कर लोगों को मास्क पहनकर घर से निकलने की समझाइश दी गई और मास्क का वितरण किया गया। तहसीलदार ने चापड़ा चौराहे पर बिना मास्क घूमने और दुकान संचालकों के चालान बनाए गए। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। बागली में अब कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ती देखी जा रही है, तो प्रशासन क्या तैयारी में है इस मामले को लेकर? आज सारी कार्रवाई की गई थी कोविड 19 को देखते हुए, तो सभी लोग जो भी नागरिक हैं वो मास्क लगाएं और मार्केट में जो मार्केट की कार्रवाई की गई है और चापड़ा में भी कार्रवाई की गई है, जो लोग मास्क हैं लोगों के पास बाकी वो लगा नहीं रहे, उसको देखते हुए एहतियात को देखते हुए जो महामारी है लोगों को यही सजेशन दिया गया है और कुछ लोगों की रसीदें भी काटी गई हैं 600 रुपये की, कि कम से कम महामारी से इस बचा जा सके। हाँ मैडम, देखा जाए तो कुछ दिनों में वापस कोरोना में ग्रोथ हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता में इस चीज़ से अब दूरी बना रखी है, कोई मास्क लगाते नहीं है, तो इसलिए क्या कुछ जागरूकता अभियान या ऐसा कुछ प्लानिंग है? जागरूकता अभियान चलाया है कि कम से कम अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए दूसरों की सेहत का भी ख्याल रखा जाए और उसी को देखते हुए हम लोगों ने आज चालान काटा है लोगों के। आगे भी जारी रहेगी इस पर? बिल्कुल जारी रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।